मांगे पूरी नहीं होगी, हम निपटेंगे ऐसे। ये हमें मारते, जान से मारते, गोली मारते है ना, तो हम कैसे? लेकिन धारा 144 लागू इस तरह से स्पीकर दिल्ली में, यूपी में कहा है, दिल्ली में, हाँ दिल्ली में बॉर्डर पे आप ऐसे बैठे नहीं बैठे कि हम नजर आके ना दिल्ली को परेशान कर रहे हैं। ये तो देखो इधर दिखाओ, झंडा लेके वो खड़े, हम तो बिल्कुल आराम से बैठे हैं। जब तक इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर और फ्लाईओवर के ठीक नीचे आपको दिखाते हैं कि एक बार फिर से कुछ किसान जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए। बताया जा रहा है कि मेरठ से हैं और बकायदा स्पीकर लेकर पहुँचे हुए हैं, इन्हें पुलिस जो है वो समझा रही है, बातचीत कर रही है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो चादर है वो बिछा कर यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर नारे लगा करते नजर आ रहे हैं। वही आपको पूरे यहाँ पे आसमान की तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से जो सिक्योरिटी है वो इन्हें घेरे हुए हैं। पैरा मिलिट्री फोर्सेज है, इसके साथ ही यूपी पुलिस के जवान इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है। कहाँ से आए हैं ये? मेरठ से और नोएडा से। क्या चाहते हैं? जो MSP का इन्होंने जो गारंटी का जो वायदा किया था और ये वायदा खिलाफी जो है उसके संबंध में किसान दोबारा से इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पे लंबे वक्त के लिए बैठेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, तब तक बैठेंगे आप? भाई जब तक MSP की गारंटी नहीं हो जाती तब तक किसान का यहाँ से हटना नामुमकिन है। ये टमाटर लेके आप आए हुए हैं? हाँ, ये खाना बनाओगे, तुम भी खाइए और हम भी खाओगे। टमाटर ना सारा आप ये देखिए की दिखाइए भाई साहब क्या क्या है। ये देखिए, ये खाने पीने का सामान लेके आए हुए हैं जिसमें तेल, नमक, टमाटर और इसके साथ ही दिखा देते। ये देखिए गैस सिलेंडर तक लेकर आए हुए हैं। ये देखिए चूल्हा आपको नजर आ रहा होगा, ये बड़ा भगोना जिसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खाना भी बनाएंगे और यहीं पर रुकेंगे। ये आप लोग यहाँ पर कितने दिन के लिए आए हुए हैं? हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम निपटेंगे ऐसे। ये हमें मारते, जान से मारते, गोली मारते है ना, तो हम कैसे? लेकिन धारा 144 लागू इस तरह से स्पीकर दिल्ली में, यूपी में कहा है, दिल्ली में, हाँ दिल्ली में, बॉर्डर पे आप ऐसे बैठे नहीं बैठे कि हम नजर आके ना दिल्ली को परेशान कर रहे हैं। ये तो देखो इधर दिखाओ, डंडा लेके वो खड़े, हम तो बिल्कुल आराम से बैठे हैं। तब तक बैठे जब तक सरकार सुनेगी नहीं, जब सरकार सुनेगी हम चलते हैं। ये दिल्ली जाने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है और रास्ता खोलने की जिद यहाँ पर है और इसके साथ ही कह रहे हैं कि जब तक उन्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा वो यहीं पे बैठेंगे। फिलहाल खाने पीने का सामान लेके पहुंचे हुए, लेकिन दूसरी तरफ आप सिक्योरिटी फोर्सेस देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से है। और इसके साथ ही अगर बात करिए बॉर्डर की तस्वीर है, यहाँ पर कुछ किसान जो है आके बैठे हुए, पुलिस इनको समझा रही है कि आप यहाँ से हटिए और, लेकिन वो तैयार नहीं है, उनकी ये जिद है कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं। और ये बताया जा रहा है कि मेरठ से ही कुछ किसान है वो यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए।